इस बीच किस तरीके से इसराइल की तरफ से वो ग्राउंड पर एक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। गाजा बॉर्डर के नजदीक जो मूवमेंट किया जा रहा है इसराइली टैंक्स का, वहीं पर मौजूद हमारे सहयोगी आशीष सिंह, दिखाते हैं आपको आशीष की रिपोर्ट। और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ, मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, सैटेलाइट गन्स, टैंक्स इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर देखने मिल रही है। साफ संकेत है कि हमास पर अटैक और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। कुछ ही मिनट लगेंगे क्योंकि हम गाजा बॉर्डर के नजदीक हैं, यहां से कुछ मिनट ही लगेंगे इस सारी की सारी आर्टिलरी टैंक्स को गाजा में पहुंचने के लिए। बहुत ही ये सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं गाजा की तरफ। ये सीधे और बहुत बड़ा वार करेंगी हमास के सभी ठिकानों पर। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, ये अपनी बेसेस से अभी बाहर निकलने शुरू हुए हैं। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से यहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ और अब ये डिप्लॉयमेंट मूवमेंट में तब्दील हो गया है। डिप्लॉयमेंट से मूवमेंट वाला काउंटडाउन अब खत्म हो गया है क्योंकि मूवमेंट शुरू हो गया है और अब सीधे सीधे गाजा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज के लिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हमास के ठिकानों पर दावा इसराइल ये कर रहा है कि उसने ताबड़तोड़ 7 दिन में पिछले 6,000 बम गिराए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खुद इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है 6,000 बम गिराए हैं इसराइल ने हमास के ठिकानों पर। देखिए 3,000 से ज्यादा हमास के ठिकाने गाजा पट्टी में जिन्हें नेस्त नाबूद किया है पिछले 7 दिन में इसराइल ने, और अब ये आंकड़ा सामने आया है बम गिराने का आंकड़ा। पिछले 7 दिन में 6,000 बम इसराइल दावा कर रहा है उसने गाजा पट्टी पर बरसाए हैं हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए। इस बीच इजरायली टैंक का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है, गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो रही है। एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह वहीं मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद, उन्हीं की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आर्टिलरी गन्स का बड़ा कॉन्वॉय गाजा की तरफ मूव कर रहा है, मेरे पीछे देखिए कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इतनी ज्यादा आवाज हो रही है क्योंकि गाजा बॉर्डर के नजदीक से इन टैंक्स को मूव किया जा रहा है गाजा पट्टी की तरफ, और ये साफ साफ संकेत है कि अब बहुत बड़ा अटैक इजरायली डिफेंस फोर्सेस प्लान कर रही हैं। आपको एक दो नहीं बल्कि ये देखिए दूसरा कॉन्वॉय भी, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, वो देखिए दूसरा कॉन्वॉय वहां से आ रहा है और वो आर्मर्ड व्हीकल्स है। हमने आपको इससे पहले आपने मेरे पीछे देखा कि टैंक्स थे और अब इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, दूर देखिए थोड़ा सा हम और हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए कहां से बड़ा काफिला चलता हुआ आ रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। ये तस्वीरें हमास को केवल धमकाने के लिए नहीं है, केवल डराएंगी नहीं बल्कि ये एक्शन में भी तब्दील होंगी, और इसीलिए इन्हें पहले फॉरवर्ड पोजीशन पर डिप्लॉय किया गया और अब उसके बाद में और नजदीक मूव किया जा रहा है। दोनों अलग अलग कॉन्वॉय के तौर पर मूव कर रहे हैं। ये देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि एक कॉन्वॉय, इनफैक्ट हम आपको दिखाएंगे कि एक कॉन्वॉय हमारे ठीक पीछे से चल रहा है और एक हमारी बाई तरफ से चल रहा है। दो अलग अलग कॉन्वॉय हैं, देखिएगा और समझिएगा, दोनों अलग अलग कॉन्वॉय हैं। इनफैक्ट ये जो कॉन्वॉय आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मूव करता हुआ, ये टैंक्स का कॉन्वॉय है। और अब मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि जो टैंक्स के पीछे एक कॉन्वॉय है वो कॉन्वॉय जाहिर सी बात है कि इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का है, और ये दोनों कॉन्वॉय साफ साफ दर्शा रहे हैं कि अब गाजा की तरफ कूच किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ से मूवमेंट हो रही है, ये मतलब साफ है कि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने मैसेज दिया था कि गाजा की तरफ से मूव हो जाएं सारे के सारे नागरिक,
वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्मर्ड कैरियर, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब के सब यहाँ से मूव किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसके आगे की जानकारी कहाँ एग्जैक्टली किस पोजीशन पर जाएंगे यह हमें बताने से मना किया गया है, क्योंकि मिलिट्री मूवमेंट, विशेष तौर पर तब जब आप बॉर्डर के नज़दीक हो, इस तरह की मूवमेंट को बताया नहीं जा सकता इजरायली नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए हम आपको केवल यही दिखा पाएंगे कि अभी फ़िलहाल इस तरह से मूवमेंट किया जा रहा है, हम गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं। कैमरामैन के साथ मैं आशीष सिंह, गाज़ा बॉर्डर से ABP न्यूज़ के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।